हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दैनिक जागरण के हवाले से ये जो बिहार एसएससी टाइपिंग और फिजिकल के रिगार्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें कहा गया है कि बिहार में नौकरियों की आई बहार, कर्मचारी चयन आयोग 12,140 पदों के लिए करने जा रहा है नियुक्तियां। दोस्तों, यहाँ पर 12,140 पद बार बार इसलिए न्यूज वाला लिखता है क्योंकि 2014 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम यह पोस्ट 12,140 ही था, लेकिन 2016 में जो फिर से फॉर्म भराया था तो उस टाइम यह वैकेंसी बढ़ करके 13,120 हो गया था। ठीक है, तो आप लोग इस 12,140 पर ध्यान नहीं देंगे, न्यूज में जो कहा गया है उस पर आप लोग ध्यान ज्यादा देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग 12,140 नौकरियां देने जा रहा है। इसके लिए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अब आयोग टाइपिंग व फिजिकल टेस्ट लेने जा रहा है। ठीक है, आयोग के अनुसार ये नियुक्तियां जून 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग के अनुसार, यानी कि आयोग का जो कहना है कि मैं जून 2021 तक ये नियुक्तियां पूरी कर लूंगा, ये मैं नहीं बोला, ये दैनिक जागरण के हवाले से मैं आपको न्यूज बता रहा हूं। ठीक है, और देख रहे हैं आपको यहां पर ये थर्सडे 4 मार्च 2021 का न्यूज है, 12:22 का न्यूज है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहा है न्यूज में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद, ठीक है, अब टाइपिंग और फिजिकल टेस्ट की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो बिहार एसएससी का मुख्य परीक्षा का परिणाम आया उसके बाद से टाइपिंग और फिजिकल लेने की तैयारी बीएसएससी के द्वारा की जा रही है। आयोग की ओर से 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की जा रही है। अब फिजिकल व टाइपिंग टेस्ट के बाद इनकी अंतिम मेधा सूची बनाई जाएगी। फिजिकल व टाइपिंग टेस्ट के बाद इनकी अंतिम मेधा सूची यानी अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यह प्रक्रिया जून तक पूरी कर ली जाएगी। एकदम काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपका जो ये टाइपिंग और फिजिकल टेस्ट होने वाला है, यह प्रक्रिया अंतिम मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनकर के आपको जून 2021 तक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है टाइपिंग और फिजिकल के लिए, इसलिए आप लोग जोर शोर से टाइपिंग और फिजिकल में लग जाइए। ठीक है, और आगे देखिए क्या कह रहा है। 15 मार्च के बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। 15 मार्च के बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। आयोग का टाइपिंग टेस्ट 15 मार्च के बाद आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सेंटर की तलाश की जा रही है। यह टेस्ट लगभग 20 दिनों तक चलेगा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। यह टेस्ट जो है सिर्फ 20 दिन तक चलेगा। इसी दौरान फिजिकल टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। अब इसी दौरान, जैसे जिस दौरान टाइपिंग चलता रहेगा उसी दौरान फिजिकल टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि टेस्ट 15 मार्च के बाद आयोजित किया जाएगा। आयोग का जो सचिव है ओम प्रकाश पाल हैं, उन्होंने बताया कि टेस्ट जो है, टाइपिंग टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, ये सब क्या है, 15 मार्च के बाद स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था कि 15 मार्च के बाद आपका टाइपिंग और फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है और यह जून तक पूरी प्रक्रिया खत्म करके आपको नियुक्ति देने तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके पास टाइम अब बहुत कम है टाइपिंग, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप टाइपिंग स्पीड जरूर बढ़ाएं और फिजिकल में भी आप प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।